इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। LNCT is not just a name, it's a most trusted brand of Madhya Pradesh. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं अविनाश। न्यूज स्पेशल में आज हम एक खास खबर की बात करेंगे जो जुड़ा हुआ है मामला बच्चियों से। बच्चियों को अच्छा और बुरा समझाने की किस तरह से पहल की जाए, किस तरह से उन्हें समझाया जाए, ये अभिनव प्रयोग शुरू किया है टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने। क्या कुछ वहां उन्होंने बच्चों को जागरूक करने के लिए और उनके पालकों को जागरूक करने के लिए कुछ किया है, आइए जानते हैं। बच्चियों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के बढ़ते मामलों से सरकार भी चिंतित है और समाज भी। यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए बच्चियों के माता पिता के साथ बच्चियों को भी शिक्षित और समझदार बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो अच्छे और बुरे में फर्क समझ सकें। टीकमगढ़ में इसका बीड़ा उठाया है यहाँ के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने, जो बच्चियों को गुड टच और बैड टच की परिभाषा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी ने इसके लिए शहर में चलने वाली टैक्सियों पर पोस्टर चस्पा किए हैं, जिनके जरिए बच्चियों और आम शहरियों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ी सी जानकारी उनकी बच्चियों की सुरक्षा में कितना अहम रोल अदा कर सकती है। टैक्सियों में चस्पा पोस्टर्स के जरिए ये समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे आदर्श व्यवहार को समझें, कोई व्यक्ति उनको गलत तरीके से स्पर्श करता है तो वो इसकी शिकायत अपने परिजनों से करें। टैक्सी चलाने वालों को भी बाकायदा ये बात समझाई गई है। देखिए, टीकमगढ़ पुलिस में हम निरंतर प्रयासरत हैं कि पुलिस की जो बच्चों के प्रति संवेदनशीलता है उसको बढ़ावा दिया जाए। हम निरंतर उनके गांव, गली, मोहल्ले सब जगह जाके उनको बता रहे हैं कि क्या आदर्श व्यवहार की क्या सीमा है, उसके आगे जाकर कोई भी किसी प्रकार का गलत टच करता है या गुड टच है बैड टच में की जो डेफिनेशन है वो हम बता रहे हैं, ताकि अगर किसी कभी भी कोई व्यक्ति आदर्श व्यवहार जो है उसकी सीमा को लांघता है तो वो जो बच्चा बालक या बालिका है वो अलर्ट रेज करे और अपने माता पिता को बताए या उस जगह से दूर हो जाए। इसी संदर्भ में आज जिले के सभी ऑटो रिक्शा यूनियन वाले हैं, उनको बुलाया गया तथा उनको इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा कन्वे करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अनुराग सुजानिया जो पुलिस अधीक्षक हैं टीकमगढ़ जिले के, उन्होंने बताया कि बच्चों को ये बहुत जरूरी है समझना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। गुड टच और बैड टच को लेकर पूरे देश में इस वक्त जो है कई स्वयंसेवी संगठन और सरकारें भी काम कर रही हैं और बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन टीकमगढ़ में जिस तरह की कोशिश पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने की है वो काबिले तारीफ है। यहाँ उन्होंने एक नया कदम उठाया और शहर की तमाम जो टैक्सी और रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा, उन पर पोस्टर्स चस्पा किए हैं ताकि लोग इन पोस्टर्स को देखें, उनमें लिखी गई बातों को समझें और ये समझ सकें कि उनके बच्चों के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और बच्चे भी समझ सकें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कोई व्यक्ति उन्हें गलत तरीके से स्पर्श करता है तो इस बात को बच्चे बखूबी जाने। यही वजह है कि पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने यह पहल की। हमारे संवाददाता मुकेश सेन हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, ये जो पहल की है पुलिस अधीक्षक ने, वाकई काबिले तारीफ है, और क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने पोस्टर्स चस्पा किए हैं टैक्सियों पर, तो उनका कितना क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? मुकेश से हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया है। हेलो। हाँ मुकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ये पुलिस अधीक्षक जी ने जो जिस तरह की पहल शुरू की है गुड टच और बैड टच की जो बातें सिखाने की बच्चों को, वो एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरह से उन्होंने एक नया कदम उठाया है कि शहर की टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में जो उन्होंने पोस्टर चिपकाए हैं, तो क्या कुछ लगता है कि इसका कितना असर लोगों पर पड़ेगा, और जिन्होंने भी इन पोस्टर्स को देखा
चाहे वो आम शहरी हों या टैक्सी चालक हों जिनकी टैक्सियों में ये पोस्टर्स लगाए गए, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा इसको लेकर? निश्चित अधिकांश जी मैं बता दूं आपको, टीकमगढ़ के एसपी अभिराम सुजानिया के द्वारा जो नई पहल की गई है, यह पहल एक सराहनीय पहल मानी जा रही है, जहां पे लोगों को भी इस पहल के जो नई शुरुआत किया उनका बढ़ करके लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। जैसे कि मैं बता दूं आदर्श बच्चों को आदर्श व्यवहार और गुड टच ब्रांड टच की परिभाषा समझने के लिए टैक्सी वर्कों के पीछे पोस्टर लगाकर उस पर नगर में लोगों को समझाइश के तौर पर टैक्सियों को इस्तेमाल किया और समझाइश दी गई है कि जिसमें महिलाओं बच्चों के साथ में जो संदिग्ध या अपराध घट रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। क्या कुछ कहना था लोगों का जब उन्होंने जब टैक्सियों पर ये स्लोगन देखे? आम शहरियों से भी आपकी बात हुई होगी, तो इस तरह की जो चीज है ये समस्या बहुत गंभीर है और आए दिन जिस तरह से बच्चियों के खिलाफ जो अपराधों में तेजी आई है, जिस तरह से समाज में एक इस तरह की जो है दर्द इस बात का लोगों में छलकता है कि उनकी बच्ची सुरक्षित हैं कि नहीं है, तो ये जो चीज़ है समझाने की कि गुड टच क्या है बैड टच क्या है, इसके लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सिर्फ पोस्टर लगा देना ही काफ़ी है या इस दिशा में और भी आगे काम किए जाने चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए या बच्चों को समझाना चाहिए, क्लास उनकी ली जाए और शिक्षक और उनके माता पिता को भी जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है इस मामले में, तब जा कर के जो है एक बदलाव देखा जा सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए निश्चित तौर पर मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से 6 तारीख का महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन का दौरा हुआ था उसी के चलते उन राज्यपाल महोदय जी के द्वारा भी एक कार्यक्रम रखा गया था बड़ागांव थाने में, जिसमें बच्चों के लिए भी उसमें समझाइश दी गई थी, उसी पहल को लेते हुए अनुराग सुधानिया जो एसपी टीकमगढ़ है उन्होंने नई पहल चालू की है और जो लोगों की राय की बात की जाए लोगों को काफी एक लोगों का समर्थन इस पहल में मिले एसपी अनुराग सुधानिया जी को मिल रहा है और ये पहल कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पहल मानी जा रही है। ऐसी कितनी टैक्सियां हैं शहर में मुकेश जो जहां जिन पे ये पोस्टर्स लगाए गए हैं? और हमने ये भी खबर है कि टैक्सी चालकों को भी समझाया गया है कि वो अपनी तरफ से भी अवेयर रहें और कहीं कुछ बच्चियों के साथ या छोटे बच्चों के साथ कहीं कुछ ऐसा उन्हें दिखाई देता है तो वो भी किस तरह से अपनी बात उनके पालकों तक पहुंचाएं या पुलिस तक पहुंचाएं, तो इसके लिए भी कोई उनको समझाइश दी गई है? निश्चित तौर पर मैं बता दूं यहां पर शहर में लगभग 500 से 600 टैक्सी यहां पर दौड़ती है रोजाना, मगर इन टैक्सी चालकों को भी समझाइश दी गई है ऐसी कोई घटना अगर सामने आती है तो तत्काल रूप से पुलिस को सूचना दी जाए, जिस पर पुलिस उस तरह के जैसे अपराधियों पर अंकुश लगाए और उस पर उसको गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की और सही उन पर समझाइश दी गई है। मुकेश कई बार देखने में आता है जब अपराध घटित हो जाता है तब पुलिस की भूमिका शुरू होती है, तब पुलिस के पास लोग जाते हैं और पुलिस फिर अपना काम करती है, लेकिन अपराध हो ही नहीं, अपराध को पहले से ही जागरूक कर दिया जाए लोगों को इस तरह से कि इस तरह की घटनाएं ना होने पाए उनके साथ, वो सुरक्षित रहें और अपनी जवाबदारी शहरी भी समझें और बच्चे भी समझें कि गलत और सही के फर्क को और उनके अभिभावक भी इस बात को समझें, इसके लिए जो पहल शुरू की गई है पहले से ही अवेयरनेस लाने की शहर में, ये एक अनोखी पहल है और बहुत ही अच्छा काम पुलिस अधीक्षक ने किया। आगे इस काम को और किस तरह से बढ़ाएंगे, ऐसी कोई योजना है क्या उनकी? मुकेश आप हमारे साथ बने रहिए, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में और सबसे पहले तो बधाई आपने ये जो पहल की है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि अपराध को पहले से ही उनको रोक दिया जाए, इस तरह के अपराधों को जागरूकता से निश्चित तौर पर रोका जा सकता है और ये जो ऑटो पे और टैक्सियों पे आपने पोस्टर लगाने का अभियान शुरू किया है सराहनीय पहल है, लेकिन इसको एक कदम और आगे बढ़ाकर यदि पुलिस स्कूलों में जाकर और अभिभावकों जो हैं उनके पालक हैं बच्चों के उनसे मीटिंग्स करके भी इस तरह से जागरूकता कार्यक्रम चलाए तो उसका बहुत असर पड़ेगा, क्या नहीं लगता आपको ऐसा? एक तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, अपराधी बनने से और अपराध होने से रोकना है, तो ये पहल उसी डायरेक्शन में है। जी टीकमगढ़ पुलिस में हम निरंतर जैसे होता था कि पहले बच्चों को बुलाया जाता था फिर उनको उद्बोधन दिया जाता था बताया जाता था, अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, अब हम लोग गली मोहल्लों में जा रहे हैं वहां पे हम बच्चों को इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि एक आदर्श व्यवहार क्या रहता है, अगर कोई भी व्यक्ति उनका परिचित हो या नजदीकी हो या दूर का तो वो उस आदर्श व्यवहार को लांघता है तो उन्हें अलर्ट रेज करने की जरूरत है। बच्चों में इतनी शारीरिक क्षमता तो नहीं रहती है कि वो हर सिचुएशन का ओवरकम कर पाए, एटलीस्ट वो अलार्म रेज
विजिट कर सकते हैं या वहाँ से हट जाए जी। इसी संदर्भ में हम लोग स्कूल में भी विजिट कर रहे हैं जी जी, साथ ही साथ मोहल्लों में हम लोग हमारी जो महिला कर्मचारी है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो कम महिला कर्मचारियों के थ्रू ही होगा, तो हम उनको इसमें प्रशिक्षित कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें गली मोहल्लों में भेज रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे मैसेज पहुंचे जी जी। इसमें हमने टैक्सी यूनियन को कोलैबोरेट किया, क्योंकि ये जो वाहन है दिन में करीब 8 से 9 घंटे चलता है शहर में जी जी। और कई लोगों के सामने से गुजरता है जी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अगर कुछ लोग भी इसको पढ़े और अपने आप में अलर्ट हो पाए, सजग हो पाए, तो हमारी ये पहल है, इसका सार्थक रूप देखने को मिलेगा। अनुराग जी, एक सवाल ये भी है मेरा कि कई बार देखने में आता है, एक आम धारणा सी है, जब पुलिस को व्यक्ति कोई भी आम शहरी या देखता है पुलिस को वर्दी में, तो एक डर सा उसके अंदर पैदा होता है, जबकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि पुलिस उनके सहयोग के लिए है, पुलिस के साथ तालमेल अच्छा हो, पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास जागे, बच्चों में विश्वास जागे और लोग बेखौफ होकर अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि परस्पर सामंजस्य की बहुत ज़रूरत मेरे को लगता है इस मुहिम को सफल बनाने में बहुत ज़रूरी। तो आपको ऐसी कोई कोशिश आप करेंगे कि पुलिस का जो है डर ना रहे बच्चों को, जो आम शहरी हो डरे नहीं, बेखौफ होकर पुलिस तक जाएं और पुलिस को अपना दोस्त समझें, अपना ऐसा समझें कि ये हमारे रक्षक हैं, तो खुल के बात हो सके, ये एक जो परस्पर व्यवहार है पुलिस का बच्चों के साथ और उनके पालकों के साथ, टीचर्स के साथ, इसके दिशा में भी कोई काम करेंगे आप? इसमें हमने सोचा है थोड़ा कि जैसे पहला जैसा आपने बताया कि पुलिस को अप्रोच करने में ही लोगों के अंदर डर रहता है, तो जो अप्रोच करने का जो है हमारा डिस्टेंस है, हम इसको खत्म करेंगे। अभी आने वाले समय में हम स्कूल एसोसिएशन से बात कर रहे हैं कि वो जैसे म्यूजियम का ट्रिप होता है स्कूल का, उसी आधार पर स्कूल के जो बच्चे हैं, जो 8th, 9th, 10th, 11th के बच्चे हैं, उनका एक भ्रमण थाने का कराया गया ताकि हम उन्हें बेसिक वर्किंग समझा सकें, और जो बेसिक चीजें होती हैं जो थाने में और एक्चुअल लॉ एनफोर्समेंट में बच्चों को ध्यान में रखनी होती हैं जी जी, या फिर वो पुलिस की किस तरीके से मदद कर सकते हैं और पुलिस उनकी कैसे मदद कर सकती है जी जी, उसके बारे में छोटे छोटे लेवल पे हम सेमिनार करेंगे और बच्चों को थाने लाएंगे, उन्हें थाने के बारे में जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस है, अगर बच्चे जो ये बच्चे हैं यही आगे जाके बड़े होंगे, अगर इनके मन में अभी से ये भय खत्म हो जाएगा, तो आने वाली जो जनरेशन की ये नींव बनेंगे आगे जाके, तो वो पुलिस से जो डिस्टेंस है उनका, वो संभवतः हम अपेक्षा करते हैं कि वो कम हो जाएगा जी। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल ये भी कि आम तौर पर देखने में आता है जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, वो जिद करता है अपने माता पिता से किसी बात को लेकर के, तो अक्सर ये देखने में आता है कि उनके माता पिता है जो वो ये कहते हैं कि हम यदि तुम ऐसा करोगे, ऐसी जिद करोगे या बदतमीजी करोगे तो हम पुलिस से पकड़वा देंगे, लेकिन अब जरूरत इस बात की होना चाहिए कि बच्चों को ये सिखाने की पुलिस आपको पकड़ने के लिए नहीं, आपकी मदद के लिए है, आप उन पर भरोसा रखिए, कल को कोई भी बात होती है या कुछ है तो पुलिस ही है जो आपकी मदद करेगी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरह से आपने बताया कि अभी तो ये बैड टच और गुड टच के लिए जो आपने मुहिम चलाई है, और भी चीज़ें इसी अभियान से जुड़कर भी बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, ट्रैफिक के नियम सिखाए जा सकते हैं, एक आदर्श नागरिक कैसे बनना है देश का, इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका पुलिस निभा सकती है अनुराग जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो ये पहल की इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा है, जो आपने बच्चों को डराने का एग्जांपल दिया है, इसको तो मैं अपने घर में ही देखता हूँ, अगर कहीं पे कोई कुछ होता है तो सबसे पहले यही डराया जाता है कि पुलिस से करवा दे, तो ये धारणा थोड़ी बदलनी पड़ेगी कि बच्चों को पुलिस के लिए प्रूव करना पड़ेगा, इस चीज की पुलिस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसमें पूरे समाज को करना पड़ेगा, और सबसे पहली भूमिका हमारी रहेगी, पुलिस की ही रहेगी, कि हम लोग बच्चों के पास जाएं, उनके रूप उनको मित्र के रूप में प्रतीत हों हम लोग, ना कि कोई एक पुलिस वाला जो सिर्फ डंडा लेके घूमता रहता है, वो डंडा अपराधियों के लिए, वो आम नागरिक जो अपना जीवन यापन शांति से कर रहा है उसके लिए नहीं है, उसको तो हमें सुरक्षा देनी है, उसके हम मित्र हैं, जो भी हमारे पास डंडा है वो सिर्फ अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए जी, जी। ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है, प्रोसेस में धीरे हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, धीरे धीरे बदलाव आएगा, समाज में बदलाव बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग जी, और निश्चित तौर पे बदलाव आना भी चाहिए, और बदलाव एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे से उसकी कोशिश की जाती है, और जिस तरह से आपने प्रयास किए हैं और जो आपके जो अभिनव पहल है ये इस तरह से आगे बढ़ेगी, और पूर्व तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज में बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे चर्चा के लिए। थैंक यू, थैंक्स। तो ये थे
अनुराग सुजानिया जी पुलिस अधीक्षक हैं टीकमगढ़ के, उन्होंने एक अभिनव पहल शुरू की है। और सबसे अच्छी बात जो इस चर्चा में उन्होंने कही कि पुलिस को मित्र समझें लोग, पुलिस का डंडा अपराधियों के लिए है, आम शहरियों के लिए नहीं है, आम शहरियों के लिए वो सुरक्षा का डंडा है, वो सुरक्षा के लिए है उनके लिए, पुलिस को अपना मित्र लोग समझें, बच्चे जो हैं उनमें डर पुलिस के प्रति ना हो, अपराधियों में पुलिस का डर हो, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से गुड टच और बैड टच की परिभाषा सिखाने की पहल पुलिस ने की है टीकमगढ़ में, निश्चित ही सराहनीय है। हमारे रिपोर्टर मुकेश सेन हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, पुलिस अधीक्षक जो हैं अनुराग सुजानिया जी, उनका यही कहना था कि डंडा जो है अपराधियों के लिए है, आम शहरियों के लिए नहीं, आम शहरियों की सुरक्षा के लिए पुलिस, और पुलिस को लोग अपना दोस्त समझें, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर मैं बता दूं आपको, देश के ये जो गुड टच बैंड टच वाला ये परिभाषा है, ये तो ये बहुत सराहनीय कदम है। और जो शहर में की बात की जाए, कल ही इन्होंने ये अपनी नई पहल चालू की थी, जिसमें पूरे शहर का इनके लिए समर्थन हासिल हुआ था। और बाकी जो अपराधियों की डंडे की बात की है, तो वो बात सही मतलब बताई जा रही है कि जो अपराधी है उनके लिए डंडा, और जो आम नागरिक है वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, है ना जी। तो क्या लगता है आपको कि ये जो पहल है, अभी ऑटो में ये पोस्टर लगा दिए गए हैं, तमाम चीजें हो गई हैं, लेकिन जिन टैक्सी चालकों के में के ऑटो में या उनके वाहनों में ये पोस्टर लगाए गए हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा पुलिस की इस पहल को लेकर, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए मैं बता दूं आपको, कल की ये जो बात किया है, तो यहाँ पे जो टैक्सी चालक है उनके उनके लिए भी एक खुशी जाहिर हो रही थी, जैसे कि बच्चों की तरह उनके उन्होंने खुद बात अपनी टैक्सी चालकों ने कबूली कि एक हमारे बच्चे भी हैं, तो हम भी एक इस तरीके की सेवा करना चाहते हैं जिससे अपराध कहीं ना कहीं ऐसी घटित होती है, तो हम पुलिस से जल्दी संपर्क करें और बच्चों के साथ जो गलत तरीके से जो लोग इस तरीके की घटना निंदनीय घटना कर रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन घटनाओं पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। जी बहुत शुक्रिया मुकेश हमसे चर्चा के लिए। सगीर खान टैक्सी ड्राइवर हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सगीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जिस तरह से पुलिस ने ये जो पहल शुरू की है, पुलिस ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं कि बच्चों को अच्छे और बुरे का फर्क समझाया जाए, आप लोगों की भी जवाबदारी बहुत बनती है, क्योंकि शहर में आप दिन भर लोगों को लाते हैं, ले जाते हैं, कई तरह के लोग आपकी टैक्सियों में बैठते हैं, तो आपकी जवाबदारी भी बहुत बन जाती है कि जिस तरह से पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि लोगों को समझाएं और कहीं ऐसा होता देखें तो उसको रोकें। क्या कहेंगे आप? सर ये पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया जी की बहुत अच्छी पहल है जी, और जो उन्होंने इस टैक्सी पर प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों को चुना, और हम लोग भी ऐसे काम के लिए आगे आने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जो हम लोगों को मिली है सेवा करने के लिए ऐसी, और हम लोग शहर में नगर में भी जाते हैं और वहां पर भी हम लोग इस चीज के बारे में बताएंगे, गुट्टर और बैग टच के बारे में, और ग्रामीण स्तर पर जाते हैं जिसमें महिला बाल बच्चे बहन सुरक्षित रह सके। जी सगीर जी एक बात और है, ये तो आपने जो कहा कि जिस तरह से पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पहल की है, पुलिस ने पहल की है, उसमें आप सहयोग करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऑटो टैक्सी में बहुत सारे अच्छे बुरे तमाम तरह के लोग बैठते हैं, तो उन पे भी निगाह रखने की आपको ज़रूरत है। यदि आप लोग यदि चौकसी बरतें, आप भी एक अपनी जवाबदारी समझें अपने पैसेंजर्स के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने शहर के लोगों के प्रति, तो बहुत हद तक बदलाव लाया जा सकता है और कई तरह के अपराधों को होने से पहले ही टाला जा सकता है। आपका क्या कहना है इस मामले? जी इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कल टैक्सी चालकों को सबको हिदायत दी थी, और कि जहाँ भी महिला के बारे में सुरक्षा आती है तो उनको भाई बहन और दीदी करके बिठालना टैक्सियों में और उनका सम्मान करना, और हम लोग यही उनके अध्यक्ष महोदय के कहने पे अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि सगीर भाई कई बार ऐसा होता है कि भले ही किसी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन चंद लोग जो है इस पेशे को, इस आपके रोजी रोजगार को कलंकित भी कर देते हैं, तो जरूरी है कि आप लोग भी जो है अवेयर रहें और समाज में जो घट रहा है आप लोगों के सामने ज्यादा सामने आता है, क्योंकि दिन भर आप सड़कों पर होते हैं और तमाम तरह के लोग सामने आते हैं, तो ये भी जरूरी है कि आप भी और आपके सहयोगियों को भी इस बात के लिए ताकीद की जाए, समझा जाए इस चीज को कि
हमारी भी जवाबदारी बनती है और कि यदि कहीं कुछ गलत हो रहा तो उसको रोकें। इस सिलसिले में हम अध्यक्ष महोदय से कहेंगे, सत्तार खान हैं जो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष, उनसे कहेंगे कि में एक टीम गठित करें और टैक्सी चालकों की हर हफ्ता इस संबंध में बैठक करें कि कुछ ऐसे टैक्सी चालक ना हो जो असामाजिक तत्व किस्म के हों, तो उन पे सख्त से सख्त पुलिस की मदद लेके उन पे कार्रवाई करवाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है सगीर जी कि इतने सारे ऑटो वहाँ टीकमगढ़ में चलते हैं, तो बेहतर जो लोग हैं रोजी रोजगार के लिए, जो अपने घर का भरण पोषण करने के लिए टैक्सी चलाते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन कई लोग इस प्रवृत्ति के भी होते हैं कि वो चीज़ों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी समझाया जाए या उनकी शिकायत की जाए, जरूरी है। सगीर जी आपको लगता है ना ऐसा? जी सर, और अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत टैक्सी चालकों की आई नहीं है, लेकिन आपने जो बताया ये बहुत अच्छी है। एसपी पुलिस अधीक्षक ने भी कल टैक्सी चालकों को इसी संबंध में समझाइश दी थी कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने बताया था, खासतौर से महिलाओं और बच्चों को। हम लोग इसी सिलसिले में कायदे बैठक लेके और कायदे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर दिए हैं अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके। चलिए, बिल्कुल आपके बड़े नेक ख्याल हैं सगीर मियां, और आपको हम यही उम्मीद करेंगे कि आप खुद तो ये बात समझते ही हैं, अपने सहयोगियों को भी समझाएं और जो जिम्मेदारी समझें अपनी, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बच्चों की सुरक्षा के प्रति, कहीं कुछ गलत होता हुआ आपको दिखाई देता है तो उसकी सूचना पहले तो उसको रोकने का प्रयास करें और उसके बाद पुलिस को भी खबर करें, तो दोहरी जवाबदारी आपकी बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए सगीर जी। न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक एलओसीटी इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ मध्य प्रदेश।